संसद का मॉनसून सत्र 3 सप्ताह के बाद अब समाप्त हो गया है और इस बार के मॉनसून सत्र में संसद के तमाम हंगामों के बीच हाल ही में एक और खबर सामने आई कि फर्जी हस्ताक्षर मामले में आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे, तो वहीं आपके ही सांसद संजय सिंह भी फिलहाल निलंबित रहेंगे। बता दें कि दोनों सांसद अभी संसद से निलंबित हैं और सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। पक्ष विपक्ष की जोरदार बहसबाजियों का दौर हर दिन हर मुद्दों पर लगातार जारी रहा। ऐसे में विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी समेत कई सांसदों के लगातार निलंबन की खबरें भी आई और सदन में खूब हंगामा मचा। तो वहीं सांसद संजय सिंह की संसद सदस्यता निलंबित कर दिए जाने के बाद हाल ही में संजय सिंह के खुद की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है बल्कि आगे जारी रहेगी। मोदी जी बोल रहे थे तो हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। मणिपुर रो रहा है, मोदी हंस रहा है। और कई बार तो पता नहीं बीच में क्या क्या ब्ला 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 करके बोल रहे थे। अपना मानसिक संतुलन देश के प्रधानमंत्री खो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री का मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं है, संजय सिंह को रोकना है। कैसे ये सदन में ना पहुंचने पाए, कैसे ये ना बोलने पाए, कैसे विपक्ष की आवाज़ को रोको, ख़त्म करो। और मैं ही नहीं, राहुल गांधी बोले उनकी सदस्यता ख़त्म करो, राघव चड्ढा बोले उनकी सदस्यता ख़त्म करो, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करो, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करो, सुशील रिंकू को सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये जो नई परंपरा इन्होंने शुरू की है इस संसद को ख़त्म करने की, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे हम लोग डरने रुकने वाले नहीं हैं, इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। तो इसी बीच आप नेता राघव चड्ढा के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गलत करार दिया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राघव चड्ढा पर झूठा आरोप लगाया गया है। संजय सिंह और चड्ढा को अगले सत्र तक निलंबित करने का फैसला गलत है। विपक्ष के नेता उनके पक्ष में पत्र लिखेंगे, मैं भी उनका समर्थन करूंगा। ये तय हो चुका था कि भाई सत्र के अंत तक ही सजा रहती है, कल समाप्त हो जानी चाहिए। संजय सिंह को उस फैसले तक, जिस फैसले से अभी शुरुआत भी नहीं हुई, न जाने कितना समय लग जाए। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा चड्ढा साहब के मामले में भी और संजय जी के मामले में भी, कि ये दोनों कोई अभियुक्त नहीं किसी ऐसे बहुत मुद्दे पर दोषी नहीं है। मैं दोनों समय मौजूद रहा हूं सदन में। अरे एक दिन का सस्पेंशन हो जाता, दो दिन का हो जाता, आपने पूरा सत्र चला दिया जो दल का नेता है, तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि न राघव चड्ढा का सस्पेंशन होना चाहिए था और न संजय सिंह का सत्र से आगे बढ़ाना चाहिए था। उसका कारण बहुत साफ, ये निर्धारित 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल तो होता है, और उसमें भी आप उनको सस्पेंडेड रखो महीनों, तब तो अब जनता के अधिकार पे जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उस राज्य के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो। सस्पेंशन 1 दिन 3 दिन मैक्सिमम उस सद तक होता है। ये क्या हो रहा है, ये राज्य के खिलाफ है, इन दोनों के खिलाफ है। मैं पूरी मजबूती के साथ संजय सिंह और हमारे युवा साथी हैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहरहाल दोनों सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने अपना समर्थन जाहिर किया है। हालांकि सदन में इतने हंगामों के बाद दोनों सांसदों की संसद सदस्यता फिर से कब बहाल होती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।